मौसमियों के ढेर लगाने वाली श्रृंखला में हमने मौसमिया को जो पिरामिड बनाया था उसका आधार एक त्रिकोण था और उससे हमने ट्रायंगुलर पिरामिड यानी कि टेट्राहेड्रन बनाया था। क्या हम इसको एक स्क्वायर पिरामिड भी बना सकते हैं? और जैसा कि आप देखेंगे, इजिप्ट के निवासियों ने जो भी अपने पिरामिड बनाए वो ट्रायंगुलर पिरामिड नहीं थे, वो स्क्वायर पिरामिड ही थे। तो चलिए इजिप्ट वाले निवासियों की तरह हम भी अपनी मौसमियों से स्क्वायर पिरामिड बनाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस स्क्वायर पिरामिड को बनाने में हमने कितनी मौसमियों का इस्तेमाल करा होगा। और इन सब चीज़ के लिए आपके पास ढेर सारी मौसमियाँ होनी चाहिए। पहले एक ये चौकोर बना लीजिए स्केल से ताकि मौसमियाँ इधर उधर ना भागें। सबसे पहले हमने एक दो भुजा वाला, दो मौसमियों वाला एक वर्ग बनाया। उसके ऊपर अगर हमने एक मौसमी लगाई तो ये हमारा एक स्क्वायर पिरामिड बन गया। इसमें कुल सबसे नीचे वाले स्क्वायर में चार और उसके ऊपर एक, एक जमा चार पांच मौसमियां लगी। चलिए अब हम इसको बढ़ाकर एक और स्क्वायर पिरामिड बनाते हैं जिसकी भुजा तीन हो, यानी कि सबसे नीचे एक स्क्वायर तीन भुजा वाला, उसके ऊपर एक स्क्वायर दो भुजा वाला और उसके ऊपर एक एक मौसमी। तो इसमें कितनी मौसमियां लगी होंगी? नौ, उसके ऊपर चार और उसके ऊपर एक, यानी के 14 मौसमियां। अब इसी तरह अगर हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो हम एक चार भुजा वाला स्क्वायर पिरामिड भी बना सकते हैं। इसके लिए तीन भुजा वाले पिरामिड के साथ साथ हमने सबसे नीचे वाले स्क्वायर को तीन भुजा की जगह चार भुजा वाला बनाया। उसके ऊपर जो दो भुजा वाला स्क्वायर था उसको तीन भुजा का बनाया और उसके ऊपर जो एक भुजा वाला था उसको दो भुजा का बनाया और सबसे ऊपर एक मौसमी लगा दी। हम ऐसा भी कर सकते थे कि तीन भुजा वाले पिरामिड को उठाकर एक चार भुजा वाले स्क्वायर के ऊपर रख देते तो भी एक चार भुजा का पिरामिड ही बनता। अब हमने कितनी मौसमियां लगाई? सबसे नीचे चार भुजा का स्क्वायर है, उसके ऊपर तीन भुजा का स्क्वायर, उसके ऊपर दो भुजा का और उसके ऊपर एक, तो यानी कि 16, 9, 4 और एक, इतनी मौसमियां कुल लगी। और ये एक स्क्वायर पिरामिड भी है। पिरामिड कैसे? नीचे इसका आधार तो स्क्वायर है पर आप देखेंगे इसकी चारों तरफ चार त्रिकोण हैं, चार भुजा वाले, सब में चार चार मौसमियां, तो इसलिए हम इसको स्क्वायर पिरामिड बोलते हैं। और इसमें कितनी मौसमियां लगी? देखिए, एक जमा चार जमा नौ जमा 16 यानी के 30। या फिर तीन भुजा वाले पिरामिड में एक चार भुजा का स्क्वायर अगर नीचे बिठा दिया तो 16 जमा 14 बराबर 30। हमको कुल 30 मौसमियां लगी एक चार भुजा के स्क्वायर पिरामिड बनाने में। अगर हम कहीं पर भी देखते हैं कि एक चार भुजा का स्क्वायर पिरामिड बैठा है तो उसमें 30 मौसमियां लगी होंगी। और अगर हम पांच भुजा का पिरामिड देखें तो वो एक चार भुजा का पिरामिड है और उसके नीचे एक पांच भुजा का स्क्वायर है तो उसमें कितनी मौसमियां लगी होंगी? 30 और 25, यानी कि कुल मिलाकर उसमें 30 और 25 यानी कि 55 मौसमियां लगी होंगी। तो इसी तरह अगर हम एक छह भुजा का स्क्वायर पिरामिड बनाएं तो उसमें 55 जमा 36, क्योंकि सबसे नीचे एक छह भुजा का स्क्वायर बैठा है, यानी कि 91 मौसमियां लगी होंगी। तो देखिए कितनी आसानी से एक स्क्वायर पिरामिड में हम ये निकाल सकते हैं कि कितनी मौसमियां हैं। और ये है वो फॉर्मूला ये निकालने के लिए कि कितनी मौसमियां हैं। और ये तो आपको दिख ही रहा होगा स्क्वायर नंबर्स हैं, एक चार नौ 16 25, क्योंकि स्क्वायर पिरामिड में हर लेयर में जितनी मौसमियां इस्तेमाल होती हैं वो एक स्क्वायर नंबर ही है। तो आशा है आपको स्क्वायर पिरामिड बनाने में बहुत मजा आया होगा।